वीआईपी जिले में शुमार दुर्ग शहर की बदहाल सड़कें इन दिनों अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई हैं। शहर की जनता जहां मजबूरी वश इन सड़कों का उपयोग कर परेशानियों का सामना कर रही है, तो वहीं इन सड़कों की खैर खबर लेने अब तक कोई पहल भी नहीं की जा रही। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला जो कि वेरी वीआईपी जिलों में गिना जाता है, क्योंकि यहां चार बड़े मंत्रियों और विधायकों का निवास होने के साथ ही समय समय पर यहां सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं की आवाजाही भी लगी रहती है। बावजूद इसके दुर्ग जिले की बदहाल सड़कें वीवीआईपी जिले के नाम पर सवालिया निशान लगा रही है। स्वयं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का क्षेत्र और पीडब्ल्यूडी विभाग भी उन्हीं के हाथों में होने के बावजूद भी जिले की सड़कें बस से बदतर की स्थिति में पहुंच गई है। और सच पूछिए तो ये कहना लाजमी होगा कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क है, ये कहना मुश्किल है। बदहाल सड़कों की वजह से आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती देखी जाती है। अभी कुछ दिन पहले सड़क के मुख्य चौराहे पटेल चौक पर दो सगे भाइयों की मौत होना इस बात का परिणाम भी है। वहीं दूसरी ओर पोटिया मार्ग पर भी इन्हीं गड्ढों की वजह से एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी। बावजूद इसके सुधार पर ध्यान न देकर शहर की जनता को इन रास्तों पर से गुजरने मजबूर किया जा रहा है। गौरतलब है कि गृह मंत्री, शहर विधायक व महापौर का निवास दुर्ग में होने के कारण उनका काफिला इन सड़कों से कई बार होकर गुजरता रहता है। बावजूद इसके उनका ध्यान इन सड़कों पर नहीं है, जिससे अब इन लोगों की छवि भी धूमिल होती नजर आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।